आज की इस वीडियो में मैं आपको कपूर ख़ानदान की ऐसी खूबसूरत बेटी की शादी की रेयर तस्वीरें दिखाऊंगी, जो कपूर ख़ानदान की बेटियां जैसे करिश्मा कपूर और करीना कपूर उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। और वो कपूर ख़ानदान की खूबसूरत बेटी है रितु नंदा। रितु नंदा का जन्म 30 अक्टूबर सन 1948 में कपूर खानदान में हुआ था। वो राज कपूर की बेटी मेरी मेरी खाली झोली भर दी बन। और रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर और रीमा जैन की बहन थी। रितु नंदा का 71 साल की उम्र में निधन हो गया था। रितु नंदा का अंतिम संस्कार दिल्ली में किया गया था। रितु नंदा एक एंटरप्रेन्योर थी। उनकी शादी इंजीनियरिंग कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजन नंदा से हुई थी। उनकी कंपनी का नाम एस्कॉर्ट लिमिटेड है। रितु नंदा रिश्ते में अमिताभ बच्चन की समधन लगती थी। अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन की शादी रितु के बेटे निखिल से हुई है। उनके दो बच्चे भी हैं, अगस्त्य नंदा और नव्या नवेली नंदा। आपको जानकर हैरानी होगी कि रितु नंदा के नाम एक दिन में 17,000 पेंशन पॉलिसी बेचने का भी रिकॉर्ड है। जो गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी दर्ज है। रितु लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से भी जुड़ी हुई थी। रितु नंदा ने करियर की शुरुआत में बिजनेस में हाथ आजमाया, लेकिन वो असफल रहीं। बाद में उन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में कदम रखा और देखते ही देखते स्टार बने। रितु नंदा फिल्मों से दूर रहीं। रणधीर कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि रितु को कैंसर है। इसके बारे में उन्हें 2013 में पता चला था। आपको बता दें, पिता राज कपूर पर रितु नंदा पहली बार बोली, जिस बेटी को वक्त ना दे पाए उसी ने लिखी उनकी दास्तां। रितु नंदा ने अपने पिता राज कपूर के बारे में एक किताब में कहा था दोस्तों कि बचपन में हम बच्चों के लिए पापा के लाड दुलार जैसा कुछ नहीं था। उनके पास हमारे लिए वक्त ही नहीं होता था। वो अपने काम को लेकर ही बड़े ऑब्सेस्ड रहते थे। सारा दिन वो काम कर रहे होते, रात को लेट आते, अगली सुबह हम बच्चे स्कूल निकल जाते। हमारा उनसे मिलना कम ही हो पाता था। हमारा उनसे कम्युनिकेशन चिट्ठियों के जरिए ही हुआ करता था। अल्लाह तेरा निगेबान, मेरा दिल मेरी जान तेरे कुर्बान। वो आगे कहती हैं, मुझे पियानो चाहिए होता था तो चिट्ठी लिखकर तकिए के नीचे रख देती थी। कहीं जाना भी हो तो चिट्ठी से ही अपनी बातें उन तक पहुंचाती थी। कोई गुलसितान। पापा अपने करियर को संवारने में लगे हुए थे, लिहाजा बतौर बेटी अपने बचपन और टीनेज में उनसे मिलने का अवसर कम ही मिल पाया। जब हम लोग साइड ट्रैक थे तो उन्हें क्या बर्थडे प्रेजेंट कर सकते थे। रितु नंदा आगे कहती हैं, मेरी शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी तो मैं अपने ससुराल दिल्ली आ चुकी थी। तब का ज़माना अलग था, हम लोगों ने इस इंडस्ट्री में आने का नहीं सोचा। शादी के बाद निकित आशा कंपनी में काम करती थी, जब वो बंद हुई तो LDIC ज्वाइन की। ये हैरानी की बात है कि बचपन में जिस बिटिया को वो वक्त नहीं दे पाए, उनके इंतकाल के बाद रिसर्च वर्कर
उनकी बायोग्राफी रूपी दास्तान उनकी बेटी ने ही लिखी। रितु नंदा आगे कहती हैं, हमारा बचपन भले ही उनके साथ कम बीता मगर मेरी शादी का आयोजन उन्होंने यादगार तरीके से करवाया। इसमें शामिल होने पूरी इंडस्ट्री आई हुई थी। खाना सर्व कर रहे थे, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि खुद उनकी बेटी की शादी थी। शादी के बाद मैं दिल्ली आ गई, हमारी दुनिया अलग हो गई। वो कहती हैं, मैं एक उद्योगपति की बीवी हो गई। सहेलियों के साथ मगन में नाचूंगी। रितु नंदा आगे कहती हैं, पापा को अपने बर्थडे मनाने का बड़ा शौक था। आर के स्टूडियो में जश्न का माहौल हुआ करता था। वर्कर्स के लिए गेम्स होते थे, उनके लिए प्राइज रखे जाते थे। जन्मदिन का जश्न वर्कर्स के साथ मनाते, रात को अपने क्लोज फ्रेंड्स और कलिंग्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। शुरुआती फिल्मों का मुहूर्त शॉट दादाजी करते थे। उनके दादाजी यानी पृथ्वीराज कपूर द्वारा मंत्रोच्चारण कर और फिर ओम नमः शिवाय बोलने का जो शॉट फेमस है, वो खास तौर पर राज कपूर के बर्थडे वाले दिन ही किया जाता था। रितु नंदा आगे कहती हैं, बचपन में जिन चीज़ों ने उन पर गहरा असर छोड़ा था वो उनकी फिल्मों में झलकता था। जैसे एक बार उनके बचपन में एक महिला सफ़ेद साड़ी और बालों में गजरे के साथ घर आई थी, वो उसी रूप में उनके जहन में बस गई। ऐसी बसी कि अपनी फिल्मों में राज कपूर उसी अटायर में अपनी हीरोइनों को पेश करते रहे। ठीक ऐसे ही जिस छुआछूत और भेदभाव को उन्होंने बचपन में देखा था, उसका एक इंटरप्रेटेशन उन्होंने बॉबी में जाहिर किया था। उन पर अपने पिता यानी हमारे दादाजी पृथ्वीराज कपूर साहब का बहुत बड़ा प्रभाव था। वो कहती हैं, दादाजी ने कभी उन्हें अतिरिक्त लग्जरी नहीं दी। पापा सदा ट्रेन से स्कूल जाते रहे। एक बार तेज़ बारिश हो रही थी, दादी ने दादाजी से कहा भी कि गाड़ी से भेज देते हैं, पर दादाजी यानी पृथ्वीराज कपूर नहीं माने। रितु नंदा आगे कहती हैं, उसी भरी बरसात में उन्हें जाने को कहा। उनका तर्क था कि जब तक बच्चे मुश्किलों को फेस नहीं करेंगे तो कैसे आगे की ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों का सामना कर पाएंगे। उसी ढर्रे पर पापा ने हम बच्चों की भी परवरिश की। पापा सख्त परवरिश से जिम्मेदार भी बने। दादाजी एक टाइम पर कर्ज में आ गए थे तो पापा ने उनकी सारी तकलीफें अपने सिर पर ले ली, कर्जे की पाई पाई चुकाई। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि करीना कपूर की खूबसूरत बुआ यानी रितु नंदा फिल्म जगत से क्यों दूर रहीं। ये तो आप जानते ही हैं, करीना कपूर बॉलीवुड जगत की फेमस एक्ट्रेस हैं और उनके कई फैंस भी हैं। लेकिन करीना कपूर की खूबसूरत बुआ यानी रितु नंदा ने फिल्म जगत में दोस्तों अपना करियर नहीं बनाया। राज कपूर और कृष्णा राज कपूर की बेटी रितु नंदा और करीना कपूर की बुआ जो सक्सेसफुल और टैलेंटेड महिला थीं, रितु नंदा एक एंटरप्रेन्योर भी थीं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रितु नंदा के नाम एक दिन में 17,000 पेंशन पॉलिसी बेचने का रिकॉर्ड रहा है, जो गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी दर्ज है। वो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से भी जुड़ी हुई थी। लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेसमैन में रितु नंदा को कई अवार्ड्स भी मिले थे। साल 2006 में उन्हें मिलियन डॉलर राउंड टेबल की ओर से अपने सदस्यों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन की शादी रितु नंदा के बेटे निखिल नंदा से 16 फरवरी में साल 1997 में हुई थी। रितु नंदा राज कपूर की बेटी थी और खूबसूरत करीना कपूर से भी ज़्यादा सुंदर थी। यही नहीं दोस्तों, करीना कपूर का फेस भी उनकी तरह ही दिखता था। अगर रितु नंदा फिल्मों में होती तो वो भी शायद टॉप एक्ट्रेस होती। लेकिन रितु नंदा के पापा यानी राज कपूर को घर की बेटियों का फिल्मों में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए रितु नंदा ने बॉलीवुड में अपना करियर नहीं बनाया। रितु नंदा को कैंसर हो गया था दोस्तों।
उन्हें अपने कैंसर के बारे में साल 2013 में पता चला था और 14 फरवरी 2020 में उनकी डेथ हो गई। अल्लाह तेरा निगेबान।